उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के ऊपरकोट नगर कोतवाली के मुंशियाने में 8 दिसंबर की दोपहर में दरोगा की सरकारी पिस्टल से जिस महिला को गोली लगी थी, गुरुवार को उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल इशरत निगार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। घटना के 5 दिन बाद 52 वर्षीय इशरत ने दम तोड़ दिया। वही गैर इरादतन हत्या का आरोपी दरोगा मनोज कुमार शर्मा अभी भी फरार चल रहा है। SSP अलीगढ़ कलानिधि नेथानी के अनुसार ऊपरकोट नगर कोतवाली में 8 दिसंबर को दरोगा मनोज कुमार के पिस्टल से चली गोली जिस महिला को लगी थी, उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इस मामले में मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वही आरोपी दरोगा मनोज कुमार शर्मा के खिलाफ धारा 307 हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी दरोगा पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। साथ ही मुंशियाने में तैनात आरोपी मुंशी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे चलिए आपको सुनाते हैं अलीगढ़ से SSP कलानिधि नेथानी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। दिनांक 8 दिसंबर को थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़ में एक SI मनोज कुमार शर्मा की पिस्टल से चली गोली से एक महिला जख्मी हो गई थी, जिसमें आज एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि उपरोक्त महिला की 5 दिवस इलाज के बाद मृत्यु हो गई है। इस दुखद सूचना पर समस्त पुलिस परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है और संवेदना प्रकट करता है। वहीं दूसरी ओर जो लापरवाह दरोगा था उसके विरुद्ध परिवार के द्वारा अंतर्गत IPC 307 मुकदमा दर्ज कराया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट NBW जारी किए गए हैं। उसके फरारी के दृष्टिगत उस पर 20,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है और साथ में जो मुंशी था उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पूरे विधिवत समस्त कार्रवाइयाँ करते हुए पैनल आदि के द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाते हुए निष्पक्ष विवेचना आदि के निर्देश दे दिए गए हैं तथा जो हमारी टीम है, पुलिस की टीम है, वो लगातार उपरोक्त दरोगा की धरपकड़ के लिए प्रयास करती है।